स्ट्रोक क्रीम और हाइलाइटर, इन दोनों में फर्क क्या है? टेक्निकली स्पीकिंग, स्ट्रोबिंग हम अपने पूरे फेस पर ग्लो फ्रॉम विद इन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं और हाइलाइटिंग हम तभी करते हैं जब हम साथ में कंटूरिंग कर रहे हों। स्ट्रोबिंग प्रोडक्ट्स नॉर्मली इल्यूमिनेटिंग सेरम्स में, मॉइस्चराइजर्स में और क्रीम्स के फॉर्म में आते हैं, जबकि हाइलाइटर्स आपके लिक्विड भी आ सकते हैं और पाउडर और क्रीम हाइलाइटर्स भी हो सकते हैं। तो ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए स्ट्रोबिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि नॉर्मली ये क्रीम फॉर्मेट में होती है। मेकअप शुरू करने से पहले आप इस तरह के प्रोडक्ट को अपने पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं और या अपने फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हैं। हाइलाइटर्स हम अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर लगाते हैं, जैसे कि हमारी चीक बोन्स हो गई या नोज का ब्रिज हो गया या क्यूपिड्स बाव हुआ, तो ऐसी जगहों पे हमारे पोर्स आमतौर पर बहुत बड़े नहीं दिख रहे होते हैं, छोटे होते हैं या इनविजिबल होते हैं। तो ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए हाइलाइटिंग इज अ बोन, इट्स अ ग्रेट ग्रेट ऑप्शन। आप कोई भी प्रोडक्ट चाहे लगा लें, फाउंडेशन तो आपको बाद में लगाना है। डिफरेंट स्ट्रोक क्रीम्स और हाइलाइटर्स का एक भी यूज करने से आपको ग्लो फ्रॉम विद इन इफेक्ट मिलेगा। सो गो अहेड एंड ट्राई दिस अमेजिंग टेक्निक एंड शाइन लाइक अ डायमंड। आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल। डू फॉलो मी फॉर मोर सच टिप्स।